हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइनल्स, टू टाइप्स स्पाइनल, नॉर्मल एंड इनवर्स एंड मिक्स स्पाइनल्स। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला था कि स्पाइनल्स पे वीडियो बनाए, तो बिल्कुल सिंपल्स होते हैं आपको आइडेंटिफाई करना स्पाइनल्स कौन से होते हैं, नॉर्मल, मिक्सड और इनवर्स स्पाइनल्स। और एक क्वेश्चन फिक्स ही होता है मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे आप यूनिवर्सिटीज एग्जाम में पूछ लेती हैं। देखो, जो स्पाइनल्स होता है वैसे उसका जर्नल फॉर्मूला होता है Ab2x4। ठीक है, यहाँ पे ए और बी कैटायंस होते हैं मेटल कैटायंस, ए पी चार्ज +2, बी पी +3 और एक्स आपका फिक्स होता है ऑक्सीजन। जो इसके अरेंजमेंट्स ऑक्सीजन की वो तो या तो आप CCP या CCP इसका नाम होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ए भी आपके कैटायंस होते हैं मेटल या ट्रांजिशन मेटल से भी हो सकते हैं या डी ब्लॉक से, और एक्स आपका एनायन होगा मींस ऑक्सीजन। अब ये कंडीशंस बताइए कि A2 पॉजिटिव जैसे ग्रुप सेकंड का हो सकता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, B3 भी आपका डी ब्लॉक का हो सकता है, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जैसे Fe3O4 या आपने देखा होगा Mn Fe2O4, तो ये तो ए मन क्या आपका, ये B2 मन क्या और ये X क्या होगा ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, और अगर A और B दोनों सेम हो गए ना 3, तो वैसे आपने वही चीज़ बताइए सेम भी हो सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, सिंपल सी, ये देखो बस, ये है आपका Ab2O4। ए के ऊपर चार्ज कितना होता है +2, बी पे होता है +3 ऑक्सीजन। अब इसके नीचे लिख लो आप TOC, इसके नीचे T लिख लो, इसके नीचे लिख लो आप O, और जो ये O और इसके निकले C। अरेंजमेंट्स याद रखने, C स्टैंड्स फॉर CCP या बोल सकते हो आप FCC, मतलब ऑक्सीजन की अरेंजमेंट्स कहाँ पे होगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड FCC। और O जो B है +3 कैटायंस वाला वो कहाँ, O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे होगा, और T स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ये होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, ये नॉर्मल स्पाइनल की बात कर रहे हैं हम। ये किसकी कंडीशन है, कई बार ये पूछ लेते हैं आपके, जैसे जो यूनिवर्सिटी से एग्जाम्स में आएगा नॉर्मल स्पाइनल के स्ट्रक्चर्स बताओ, तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि नॉर्मल है या इनवर्स स्पाइनल्स है। देन वी चेक क्या करेंगे कि अरेंजमेंट्स आपको स्ट्रक्चर्स के लिए पता होना चाहिए कौन सा आइटम कहाँ पे लाइक। तो ए आपका टेट्राहेड्रल वॉइड पे, बी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्सीजन और CCP या FCC पे। ठीक है, तो ये आपको पता है कि 8 टोटल टेट्राहेड्रल साइड, तो ए जो +2 है या आयन वाला, ए टेट्रा, तो 1/2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बी वाला हो जाएगा, और ए 1/8 हो जाएगा टेट्राहेड्रल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालें। तो अगर आप इनवर्स की बात करो, इनवर्स स्पाइनल होता है तो सेम फॉर्मूला तो यही रहता है, उसमें चेंज क्या हो जाता है, जो ए वाला है ये तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे लाई करता है, जो बी वाला है वो 1 तो ऑक्टाहेड्रल पे और 1 मिला आपको टेट्राहेड्रल, ऑक्सीजन सेम रहेगा FCC या CCP। अब आपका रूल्स क्या है चेक करना हो, आपको रूल्स क्या है टू चेक करना हो नॉर्मल या इनवर्स, तो एक कंडीशन होती है आपका जो CFSC की वैल्यू होती है, CFSC की हमारे सेपरेट वीडियोस मैंने बना रखी है, आपको नहीं आता हो कैलकुलेट करना तो आप देख सकते हो, स्क्वेयर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल तीनों की CFSC अलग अलग वीडियोस में मैंने समझाया कि कैसे निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंट होता है, वीक लिगेंट होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, पेयरिंग एनर्जी, CFSC, ऑल थिंग्स हम कैलकुलेट, आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कंडीशंस की जो CFSC होती है ये तो आपको पता हाई होगी उतना ज़्यादा स्टेबल, तो आपको ये देखो, एक तो ए आपका बी है, तो या तो आपका ए +2 की जो ये आयन है आपका मेटल आयन है इसकी CFSC ज़्यादा हो बी +3 से, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो बी +3 आयन है इसकी CFSC की वैल्यू ज़्यादा हो या इसी। अगर आपके पास बी जो मेटल आयन है +3 जिसके ऊपर चार्ज है इसकी जो CFSC की वैल्यू ज़्यादा है ए वाले से, देन ये कंडीशन हो जाएगी नॉर्मल की, और इसे अपोजिट हो जाए ये वाली कंडीशन आ जाए तो वो हो जाता है आपका इनवर्स स्पाइनल। और मिक्स्ड स्पाइनल में क्या होता है CFSC दोनों की सेम हो जाती है। ठीक है, मिक्स्ड स्पाइनल में अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल से आपको समझ आएगा कि कैसे हम बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दे दिया जिंक Fe2O4, तो ये आपका आयन है Ab2+4, तो यहाँ पे चार्ज इस पर ले +2 +3, निकाल भी सकते हो चार्ज, जिसके निकालने उसको x मानते हो। देखो 2x माइनस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना -2, तो 2x माइनस 8, जिंक पे +2 +8 0, तो 2x माइनस 6 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया +3, यहाँ पे चार्ज निकालोगे तो +2। ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया, अब आपको कैलकुलेट करोगे जिंक +2 है, पहले तो आप कॉन्फिग्रेशन लिखोगे जिंक +2 की, जिंक की क्या इतना एटॉमिक नंबर होता है 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आर्गन 3d10 4s2, ये होती है आपके पास जिंक की कंप्लीट, +2 करोगे तो ये लॉस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा d10 की CFSC निकालोगे तो आवा कितना आती है 0 CFSC की वैल्यू, T2g में 6, Eg में 4, ओवरऑल सम करोगे तो 0। अब आयरन की निकालोगे, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आर्गन
अब यहाँ पे आ जाएगा 4s2, 18 दो 20 और कितने बच गए आपके 6, 26। अब आपको कितना है प्लस 3 मीन्स दो तो यहाँ से चलेगा, एक यहाँ से, तो यहाँ पे कितना बच गया आपका d5। ठीक है, अब ये d5 आ गया, d5 के लिए निकालोगे सेम t2g में आपके 3 चले जाएंगे, eg में 2 चले गए। अब आपको ये पता है कि ऑक्टाइडल की हम बात कर रहे हैं ऑल थिंग्स, तो नीचे वाला कितना होता है -0.4, ये तो आपको पता ही होगा। T2G है ये आपका, AC होता है ये जो बीच में, ये -0.4 होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, ये 0.6, तो कितने हैं 3, तो 3 × 12 और ऊपर कितने हैं 2, तो 6, दोनों यहाँ पे भी कितने आ गए 0। मीन्स दोनों भी CFS की वैल्यू सेम आ गए, तो मीन्स ये मिक्स्ड स्पाइनल में चला जाएगा, जिंक Fe2O4 वाला। ठीक है, जिंक जो मिक्स्ड स्पाइनल वाला भी मेनली नॉर्मल स्पाइनल की कंडीशन में चला जाता है कई बार। अब आप और एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे निकल का ले लो, NiFe2O4 ले लो, तो उसमें क्या करोगे, निकल +2 है, Rn+3 है, CFC की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। मान लो इसकी ज़्यादा आ गई 2 वाले की Me3 से, तो इनवर्स आ जाएगा इसकी ज़्यादा, मीन्स सिंपल आपको ये वैल्यू देखनी है ध्यान, उससे आप नॉर्मल कैलकुलेट कर पाओगे इनवर्स और मिक्स स्पाइनल्स, तो ऐसे ही आएंगे। और ये आपको बता दिए हमने कौन कहाँ पे लाई कर रहा है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स लेके ट्राई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।